हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय न्यू बस जर्नी ब्लॉग ऑन डेंजरस रूट ऑफ इंडिया, कसौल टू दिल्ली। पीछे खड़ी है लक्ष्मी हॉलिडे की वॉल्वो, जिस पे आज हम ट्रेवल करने वाले हैं कसौल टू दिल्ली के बीच में। डिस्टेंस है 520 किलोमीटर्स के लगभग का, और टाइम लगेगा 14 से 15 आवर्स। और जो अपनी वॉल्वो का टाइम है, मतलब यहाँ पे दो वॉल्वो खड़ी है, एक इधर खड़ी है और एक इधर खड़ी है, दोनों का टाइमिंग है जो एक जाएगी 8:20 पे और एक जाएगी 8:40 पे। अपनी वाली जो वॉल्वो का टाइमिंग है वो है 8:20 की, और अपन सुबह लगभग दिल्ली पहुँच जाएंगे 10-11 बजे के करीब। ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रूट, इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ जहाँ पे लक्ष्मी हॉलीडे की वॉल्वो का बोर्डिंग पॉइंट है, संध्या होटल। पीछे जो ये होटल देख रहे हैं आप, ये है संध्या होटल। यहीं से अपन को अपनी बस बोर्ड करनी है। अभी तो फिलहाल टाइम 6 ही हो गया, अभी मेरे पास 2-2.5 घंटे। फिलहाल मैं अभी होके आया हूँ मणिकरण साहिब कसौल से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है। यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, नहीं यहाँ पे हर आधे घंटे में बसेस चलती रहती हैं कसौल से मणिकरण के लिए। लेकिन अपन अच्छे से मत्था टेके आए हैं गुरुद्वारे में। फिलहाल बस वेट करते हैं, कब 8 बजते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। फिलहाल पिछले चैनल को करो सब्सक्राइब, तो जर्नी शुरू करते हैं अपनी, द मिनी इसराइली विलेज टू द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो गाइस टाइम हो गया 7:45 मतलब, और अपनी बस की बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, मतलब बस के गेट खुल चुके हैं। अब आपको बस के फीचर्स दिखाते हैं, बस दिखाते हैं अंदर से कैसी है। फिलहाल मैं लेने गया था, मैंने लिया एक पल्पी ऑरेंज और एक अमूल मस्ती लस्सी, और कुछ कैंडीज लिए हैं, रस्ते में काम आएगी खाने के लिए। फिलहाल चलते भाई, इधर ही नेशनल हॉलीडेज का ऑफिस भी बना हुआ है इधर, जहाँ से अभी कॉल आया था मुझे कि आपकी बस का टाइम हो गया। तो चलते हैं भाई, बोर्डिंग करते हैं, निकलते हैं दिल्ली की ओर। नाइट का सफर है, वैसे रास्ते तो डेंजरस है ही भाई, कसौल की रात को देखते हैं कैसी बस राइडिंग करते हैं। तो गाइस बस में अपने एंट्री ले लिया भाई, देखो ऐसे कुछ सीट्स हैं, सेमी स्लीपर सीट्स हैं लक्ष्मी हॉलीडे की। फीचर्स की बात करें तो देखो भाई, चार्जिंग सॉकेट, आर्म रेस्ट, इधर आपको कर्टेंस मिल जाएंगे, एमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगा, लेग रेस्ट, बॉटल रैक, फुट रेस्ट, और एसी विंड्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे रीडिंग लाइट भी मिल जाएगी। तो गाइस देखने में तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स लग रही है लक्ष्मी हॉलीडे की। और आपको देखो भाई, यहाँ पे आपको ब्लैंकेट भी मिल जाएंगे, और आपको सामने LCD की फैसिलिटी भी मिलने वाली है, और आपको CCTV कैमरे की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। Thank you.
गाइस कसोल से चल के अपन पहुंच चुके हैं भुंतर। वैसे अपन ने फ्रंट सीट थी इसलिए मैंने आपको सीट दिखाई नहीं भाई, आगे से व्यू जो दिखाना होता है इसलिए अपन तो हमेशा फ्रंट सीट ही बुक करते हैं। जहाँ से सीट शुरू होती है, जहाँ हम बैठते हैं सीट वहीं से शुरू होती है। भाई फिलहाल पहुँच गए हम भुंतर और अपनी जो लक्ष्मी हॉलीडे की बोल रहे थे उसका एसी काम नहीं कर रहा, मतलब एसी ख़राब हो गया तो इसलिए बस चेंज हो रही है। वैसे तो कसोल में पता लग गया था कि एसी ख़राब है, लेकिन लक्ष्मी हॉलीडे की इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि हैंड टू हैंड ही भुंतर में आके ही बस चेंज हो रही है। भाई सारे पैसेंजर्स को दिक्कत भी आती है क्योंकि विंडो तो खुलती नहीं है एसी वाली बसों की। भाई बस चेंज हो रही है तो उसकी बात निकले भाई दिल्ली की, और ब्रेक कितने काम में बताई नहीं काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अगर बस में हो गया तो ये बात जहाँ भी याद जाते हैं पता लग रहा है। तो गाइस बस चेंज हो गई, ये मनाली से आ रही थी, इसमें चार ही पैसेंजर थे मतलब खाली आ रही थी इसलिए चेंज हो गई। अपन वापस अपनी फ्रंट सीट पर बैठ गए, अब सब पैसेंजर वापस बोर्ड करेंगे और निकलेंगे दिल्ली के। साढ़े ग्यारह और डिनर के लिए अब ड्राइवर अंकल ने बस रोकी है ब्यास व्यू एंड गेस्ट हाउस एंड भोजनालय। इस बस में तो हम जा रहे हैं और जिस बस का एसी ख़राब हो गया था वो भाई वो बस भी पीछे पीछे आ रही है। साहिल भैया बस चला रहे हैं वो वाली, ठीक है भाई एसी तो ठीक हो गया लेकिन मैं आधा घंटा सो गया भाई, यार नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा। अभी फिलहाल देखते कुछ मूड बनाते कुछ खाते, तो ब्यास व्यू एंड गेस्ट हाउस एंड भोजनालय मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा है और दिल्ली की ओर चलेंगे। भाई नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा, बस क्या करें भाई साढ़े ग्यारह बजे कुछ देखते खाते। चल मैंने तो सब्सक्राइब कर लो, गर्मी में मज़ा तो आ रहा है भाई फ्रंट सीट से एकदम गर्म सा रहे ना, जब तक प्लेन लोड नहीं आएंगे ना जब तक तो भाई नींद नहीं आने वाली अच्छे से। तो गाइस ऐसा कुछ मेन्यू है ब्यास व्यू गेस्ट हाउस एंड भोजनालय का भाई देखो, ठीक है ऐसा कुछ मेन्यू है और ऐसा कुछ सिटिंग एरिया भाई देखो, ऐसा कुछ सिटिंग एरिया बना हुआ है। फिलहाल देखते कुछ खाते तो नहीं, बस में बैठते हैं और सो जाते हैं। तो गाइस मैं तो बाहर आ गया हूँ भोजनालय से, मेरा 1% वाला भी कुछ खाने का मन नहीं, बस मेरी आंखों में नींद भरी हुई है, बस मैं सोच रहा हूँ बस सो ही जाता हूँ भाई। चिप्स का पैकेट पड़ा है उससे ही, वैसे डिनर में कोई मन भी नहीं था, कोई काम चला लें। फिलहाल बस बैठते हैं और सो जाते हैं भाई, कुछ सुबह देखते हैं रस्ते में कहीं और कहीं रुकती है तो मुलाकात होगी नहीं तो भाई अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच के ही मुलाकात होगी। वैसे रुकी थी भाई देखो ब्यास व्यू एंड गेस्ट हाउस, दो दो लक्ष्मी हॉलीडेज की बसेस खड़ी है, एक मनाली से आई है और एक जो कसोल से ख़राब हो गई थी एसी ख़राब हो गया था जिसका, और इसमें हम बैठ गए थे भाई। भैया सही है भाई, पीछे से आ रही थी मुझे मुमकिन है एसी के जाना पड़ता भाई, ठीक है पर कोई बात नहीं, चिप्स खा लेंगे उससे काम चलेंगे। वैसे अच्छा है भोजनालय ब्यास व्यू एंड गेस्ट हाउस, प्राइस भी रीजनेबल सही है भाई, इतना तो रेस्टोरेंट में होता ही है। फिलहाल टाइम हो गया सुबह के 6:15 और अपन पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। सच बताऊं ना चंडीगढ़ तक तो मैं बिल्कुल सोता आया था, चंडीगढ़ के बाद मैं थोड़ा जगह जगह आया हूं पूरा थोड़ा कंटेंट बनाते बनाते और ट्रैकिंग दिखाते दिखाते, और अब ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया है 6:15 बजे।
मयूर ढाबा पे ब्रेक लिया भाई ड्राइवर अंकल ने। एक बात तो बोलनी पड़ेगी भाई, दोनों ब्रेक ना अच्छे थे लक्ष्मी हॉलीडेज के। रात को डिनर के लिए रुकी थी ब्यास व्यू गेस्ट हाउस एंड भोजनालय, और अब रुकी है, अब रुकी भाई मयूर ढाबा पे। फिलहाल देखो BRCTC की पेप्सू भी खड़ी है, उसकी बस जर्नी जल्दी आएगी। फिलहाल इधर खड़ी अपनी लक्ष्मी हॉलीडेज भाई। ऐसा कुछ हाईवे है भाई, देखो हाईवे के सामने मयूर ढाबा है, वहाँ पे मन्नत भी है। देखो भाई मन्नत भी, लेकिन फिलहाल अपनी जो बस रुकी है रुक के मयूर ढाबा देखते हैं। अंदर कुछ मूड बनता है तो खा लेते हैं चाय वाय पी लेते हैं, बस चलते फिर आगे की ओर भाई। जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे अब तो 2-2.5 घंटे में। तो गाइस देखो ऐसा कुछ मयूर ढाबा एंड रेस्टोरेंट है। इधर आपको सिटिंग एरिया मिल जाएगी ढाबा स्टाइल, अंदर भी आपको सिटिंग एरिया मिल जाएगा, और इस साइड आपको खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी भाई। देखो बाहर ही आपको चाय और कॉफ़ी के लिए स्टॉल मिल जाएगी, और काफ़ी सारी मतलब सैंडविच बर्गर के लिए स्टॉल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फिलहाल बस वाले अंकल ने भी हॉर्न मार दिया है पों पों, तो भाई चलते हैं बस में और निकलते हैं आगे की ओर भाई। मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, एक चीज़ दिखाऊँ मयूर ढाबा एंड रेस्टोरेंट भाई। देखो पंजाबी स्टाइल में लुक दे रखा है भाई, देखो ढोल का और डांस कर रहे हैं भाई, भंगड़ा स्टाइल लुक दे रखा है ना। तो चलते भाई, देखो आपके सामने भी हॉर्न की आवाज़ आई होगी भाई, डबड़ आप ऐसे करके सब्सक्राइब कर दो बस चैनल को, ठीक है। फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन, पीछे चली गई लक्ष्मी हॉलीडे की बस, और अपन पहुंच गए पानीपत। अपनी जर्नी जो थी वो पानीपत की चली थी, और बारिश आ रही है अभी भी, पूरे रास्ते जमा जमी बारिश हो रही थी। मयूर ढाबा के बाद तो बारिश ही बारिश आ रही है, अभी ड्रिजलिंग हो रही है, बस अपने आप घर जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी कसोल से पानीपत तक की? अब बस गई है दिल्ली, 1 घंटे तक लगभग वो ड्राइवर अंकल दिल्ली लगा देंगे, इतनी हाई स्पीड जो आ रही है भाई। कमेंट करके बताना कैसी लगी है। तो बस भाई बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, सजेस्ट करना आगे आगे कौन कौन सी बस की जर्नी मिला आपके लिए। तो मिलते गाइस आपसे नेक्स्ट व्लॉग जर्नी में गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय 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 बाय, मिलते आपसे गाइस नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग जर्नी, बस जर्नी ट्रेन जर्नी, बाय बाय।